नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर दानिश कनेरिया ने सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। दानिश कनेरिया ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। सूर्य कुमार यादव के पास 360 डिग्री शॉट्स है, इसलिए सूर्य कुमार यादव ये स्पेशल प्लेयर है इंडिया के लिए। और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव बैटिंग करता है, वो खुद को अनाउंस कर रहा है। सूर्य कुमार यादव ने थर्ड T20 मैच में अच्छी बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव की एक डिफरेंट स्टाइल है बैटिंग करने की, और कुछ सालों बाद सूर्य कुमार यादव ये बड़े प्लेयर होंगे इंडिया के लिए। और जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करता है, तब ऐसा लगता है कि ये एक लेजेंड प्लेयर है। दानिश कनेरिया ने आगे कहा कि जरूर बाबर आजम और विराट कोहली कंटिन्यूअसली रन बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव दोनों को पीछे छोड़ देगा, जिस तरह का उसका टैलेंट है। गाइस, दानिश कनेरिया ने आगे विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि सब लोग बोलते थे कि एडम जाम्पा विराट कोहली को आउट कर देता है, लेकिन इस बार विराट कोहली ने एडम जाम्पा को सेट भी नहीं होने दिया। विराट कोहली 20 मैच में एक्सेप्शनल बैटिंग कर रहा था। विराट कोहली ये रोहित शर्मा और केएल राहुल के विकेट जाने के बाद सूर्य कुमार यादव को अच्छी तरीके से गाइड कर रहा था, और दोनों में काफी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के पास कोई भी आंसर नहीं था इन दोनों बैट्समैन के अगेंस्ट। अगर ये दोनों ऐसे ही खेलते रहे इंडिया के लिए, तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ये स्ट्रांग पोजीशन पर होगी। और देखा जाए तो इंडिया का बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और सारे प्लेयर फॉर्म में भी है। नंबर टू गाइस, इरफान पठान के एक फैन ने इरफान पठान को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट किया। फैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब मैं आपको लीग मैचेस में देखता हूँ, तब मुझे MS धोनी और तब की मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने आपका लास्ट व्हाइट बॉल मैच 29 एज में खेला है। आप इंडिया के लिए नंबर 7 पर परफेक्ट प्लेयर थे। कोई भी टीम आपको टीम से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन इंडिया ने आपकी जगह जड्डू को ट्राई किया, इवन बिनी को भी ट्राई किया। गाइज, इरफान पठान ने इस पर रिप्लाई देते हुए कहा कि किसी को भी ब्लेम मत करो और थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए। नंबर 3 गाइज, सुनील गावस्कर ने केएल राहुल को बैक करते हुए कहा कि केएल राहुल वही कर रहे हैं जो टीम को चाहिए। आपने देखा होगा कि केएल राहुल ने फर्स्ट मैच में 50 मारे थे, लेकिन सेकंड मैच में उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसे सिर्फ बैट घुमानी थी, क्योंकि मैच सिर्फ 8 ओवर की थी, इसलिए सेकंड मैच में वो जल्दी आउट हो गया। उसने अपनी विकेट टीम के लिए सैक्रिफाइस की। सिमिलरली केएल राहुल 30-20 मैच में भी जल्दी आउट हो गया, क्योंकि वो तेजी से रन बनाना चाहता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 9 से भी ज्यादा था, जो कि किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होता चेस करना। आपको अगर ऐसे चेस सक्सेसफुल करने हैं, तो आपको अच्छी स्टार्ट की जरूरत होती है, और इसलिए केएल राहुल अग्रेसिव खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो गया। जैसे कि हमने फर्स्ट मैच में देखा, जब केएल राहुल क्रिकेटिंग शॉट मारता है तब वो अनस्टॉपेबल होता है, लेकिन जब वो अग्रेसिव खेलने जाता है तब वो जल्दी आउट हो जाता है, क्योंकि अग्रेसिव खेलना केएल राहुल का गेम नहीं है। अगर केएल राहुल अपने हिसाब से खेलने लगे, तो वो कंसिस्टेंटली रन बनाते चले जाएगा। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।